अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक और ठाक होंगे। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे कि जीशान भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो भाई मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान आया और कुछ मसले थे, उस वजह से वीडियो नहीं डाला था, बहुत ज़्यादा बिजी था। तो आज भी मेरा थोड़ा काम है, लेकिन क्या करेगा, आप लोग की प्यार, आप लोग की मोहब्बत की वजह से इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊँगा। ये जो है ना, ये मेरा बाइक है, ये मैं 2 साल पहले लिया था, फिर घर में रखा और बहुत सारे दोस्त बोले थे कि भाई मेरे को दे दे। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को वह बस भी आना है पाकिस्तान। तो अभी फिर निकाल दिया, ये मेरा बाइक हो गया। ओके, और अभी आज मैं जा रहा हूँ पेशावर इस बाइक पर। पेशावर इधर से तकरीबन 30 किलोमीटर पर है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो जर्सी भी पहना है और ग्लव्स भी उठाए, हेलमेट भी उठाए। तो चलो पेशावर चलते हैं। ये हो गया मेरा चाबी, ओके, और ये हो गया मेरा ग्लव्स। और ये हो गया मेरा रिबन, इसको जेब में रखेगा। ओके, अभी रेडी हो गया पेशावर के लिए। तो चलो हमारे साथ पेशावर। सर्दी बहुत ज़्यादा यार, मैं जर्सी बंद नहीं किया और इतना सर्दी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी यार। इसको बंद करेगा, अच्छा तो बाजार पहुंच गया। और ये जो मेरे कैमरे का स्टैंड है वो नीचे गिरता है यार, बहुत लूज है। तो मैं सोचा इस पर मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन ये तो गिरता है, जब इसका कैमरे का वजन इसके ऊपर आता है तो वो गिरता है। तो मैकेनिक के पास है, मैकेनिक भी बंद है। चलो निकलते यार, मैं किलोमीटर आप लोगों को दिखाता हूँ कितना किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है। ये देख सकते हैं 5,656 किलोमीटर। ओके, और इंशाल्लाह फिर पेशावर में दिखाऊँगा कि मेरा गाड़ी भी कितना किलोमीटर चल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सीन। आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, हम सीन बोलते हैं, हाजी जई नाम है इसका, हाजी जई। ओके, और ये मेरे ख्याल में इसको दरिया काबुल भी बोलते हैं। तो ये अभी सर्दी है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा कम है। जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। और देखो ये सैलाब आया था, उसी टाइम ये पुल गिरा था। तो पहला ज़माने में ये पुल जो है ना, ये सिंगल था, वो फूल था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला सिर्फ एक साइड का फूल था और ये दो नहीं थे। ये जो हदीद वाला ब्रिज नज़र आ रहा है ना, पहले ज़माने में ये ब्रिज था। ओके, और दोनों साइड से गाड़ी जा रहा था। ओए होए 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 होए, ब्रिज बहुत बिल्कुल ऐसा हिलता है ना जैसा ब्रिज गिरता है। व्हाट इज दिस यार।
तो पहले जमाने में वो ब्रिज था, अभी दो ब्रिज और बनाया, ये ब्रिज भी बनाया और साथ में वो ब्रिज भी बनाया। तो अभी माशाल्लाह बहुत चेंजिंग आया है, इधर दो ब्रिज बनाए माशाल्लाह, पुराना वाला जो ब्रिज था उसको एक्सपायर कर दिया और नया वाला जो ब्रिज है उस पर लोग चलते हैं। आने का एक ब्रिज है और जाने का दूसरा ब्रिज है और इसका नाम है हजीजई। चलो अभी पेशावर बाकी है ना, अभी हम पहुँच चले, अभी हम पेशावर, अभी पेशावर जो है ना थोड़ा सा बाकी है। अभी ये जो चौक है ना, इसका नाम है नागुमान। ओके, ये नागुमान इसको बोलते हैं। और अभी हम अपने बाज़ार से आए तकरीबन 15 किलोमीटर। ओके, अभी पेशावर 10 किलोमीटर बाकी है इधर से, जो सरगानू चौक जिसको बोलते हैं ना, वो अभी 10 किलोमीटर इधर से बाकी है। तो हमने भी आधा रास्ता सफ़र किया और आधा बाकी हो गया। तो पहुंच गया हूँ पेशावर। ये अभी जो सामने बोर्ड नज़र आ रहा है ना, एक जा रहा है खैबर बाज़ार, दूसरा जा रहा है पेशावर सदर और तीसरा जा रहा है जूडी रोड द लजाक रोड। तो अभी मेरे को जाने है किधर, मेरे को जाने है करखानों में, करखानों मार्केट में मेरा थोड़ा काम है, मेरे को उधर जाने है। और अभी रास्ते का मेरे को पता नहीं है कि करखानों मार्केट में कैसा जाएगा। तो चलो किसी से पूछते हैं कि करखानों को मैं कैसा जाएगा, रिक्शे वाला खड़ा है साथ में से पूछते हैं। अजी दा करखानों तो पसंद है समा तो चलो इस आदमी से पूछो, बोलते कि वर्सक रोड पर ऐसा सीधा जाओ। अभी पता नहीं कि कैसा कैसा भेजा गया, लेकिन चलो चलते इधर से। तो पहुंच गए करखानों। ये जो मार्केट नज़र आ रहा है लेफ्ट और राइट साइड में, ये पूरा करखानों का मार्केट है। और करखानों का मार्केट जो है ना बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि जो भी सामान आपको बाहर से नहीं मिलता है तो इधर करखानों में मिलता है। तो हम गांव से आया पेशावर करखानों। अभी इधर हमारा थोड़ा सा सामान है उसको उठाना है, तो चलो देख के आगे। ओके,
तो भाई हम आए थे सुबह और अभी शाम हो गया। ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं अभी सदर बाज़ार में खड़ा हूँ और शॉपिंग किया बहुत सारा, आप लोग देख सकते हैं। ये बाइक में मेरा शॉपिंग है। ओके, तो शॉपिंग भी कर रहा है, शॉपिंग भी हो गया और दिन भी गुजर गया। और अभी रात को जो है ना 6:30 बजे है, 6:30 बजे अभी शाम को अभी इधर ऐशा का अजान होने वाला है, यानी कि 25 मिनट का कम 7 बजे है। तो 7 बजे इधर ऐशा का अजान होता है, बहुत लेट है। पेशावर में तो लेट नहीं है, लेकिन हम तो गांव में रहते हैं, गांव में बहुत ये टाइम बहुत ज़्यादा लेट है। और अभी हमारा सफ़र कितना है, तकरीबन 40-45 किलोमीटर सफ़र है हमारा। तो चलो इंशाल्लाह देखते हैं, हमारे साथ रहे ना, ग्लव्स बांधते हैं, सर्दी बहुत है, सर्दी। और सफ़र मेरे कितना किया अभी किलोमीटर पर, मेरे ख्याल में 6,311 किलोमीटर है। तो अभी मेरे से भूल गया कि सुबह मेरा मीटर कितना चला था, अभी है 6,311 किलोमीटर मेरा गाड़ी चली है। चलो हेलमेट बांधते हैं। जी 500 बजे आ चाहिए ऐसे भी कुछ। ओके, तो गाड़ी में जो है ना पेट्रोल थोड़ा कम है, और चाचा बोल रहे कि गाड़ी से थोड़ा उतरना पड़ेगा, तो गाड़ी से उतर गया और थोड़ा पेट्रोल डालेगा, क्योंकि गाँव पहुँचने में टाइम भी लगता है और पेट्रोल भी नहीं है। तो पेट्रोल डाल दिया 500 का और कितना आ गया 1.77 लीटर, सही है। और अभी जाएगा इंशाल्लाह गाँव तक पहुंच जाएगा इसमें। तो पहुंच गया घर, और घर में सब गुस्सा है, बोलते ये तुम्हारा टाइम आने का, सब गुस्सा है। तो चलो चुपचाप जाते हैं और बाइक को कड़ा करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। यह हाफिज़।